हिमाचल के पर्यटन स्थल दुनिया भर में मशहूर हैं। देश विदेश से हर साल लाखों सैलानी यहां पहुंचते हैं। कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली से 20 किलोमीटर दूर पर मौजूद नग्गर कैसल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। 16वीं शताब्दी में बने इस किले में एक भी लोहे की कील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, साल 1905 में आए विनाशकारी भूकंप में भी इस किले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तो आज हम आपको कराते हैं इस महान और ऐतिहासिक किले के दर्शन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पहुंच गए हैं द नग्गर कैसल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है नग्गर कैसल जो कि मनाली से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं और कवर करते हैं द कैसल नग्गर को। मनाली से आप यहाँ पर गूगल मैप के थ्रू पहुँच सकते हैं और रास्ता काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है। जब आप नग्गर पहुँच जाएंगे तो नग्गर पहुँचने के बाद आपको वहाँ के लोकल से पूछ लेना है कि नग्गर कैसल कैसे जाना है, क्योंकि मैप वहाँ पर गलत लोकेशन बताता है। मैंने बहुत सारे टूरिस्ट को वहाँ पर घूमते हुए देखा जो गूगल मैप की वजह से कम 10 किलोमीटर इधर उधर एक्स्ट्रा चल गए थे, और मैं भी उनमें से एक था। मेरी बाइक भी 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गई थी। साथ ही अगर यहाँ के टिकट की बात की जाए तो आपको यहाँ एंट्री के लिए 50 रुपये पर हेड टिकट खरीदना होगा। अब हम एंट्री कर गए हैं द कैसल नग्गर में। ये काफ़ी ऐतिहासिक स्थल है और ये पूर्ण रूप से लकड़ी और पत्थरों का बना है। साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। नग्गर कैसल को अब होटल में परिवर्तित कर दिया गया है, इसलिए अब यहाँ पर आप रूम लेके रह भी सकते हैं। अगर रूम के टैरिफ की बात की जाए तो एंट्री पर ही आपको सामने रूम का टैरिफ प्लान दिख जाएगा। यह है यहाँ का टैरिफ प्लान और यह है रिसेप्शन जहाँ से आप रूम को बुक कर सकते हैं और राजशाही जीवन को महसूस कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे नग्गर कैसल को जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है। अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पर देखने के लिए है। यह है यहाँ की किचन, और अब आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर एक मंदिर दिख रहा है जो कि काफ़ी फेमस मंदिर है, और यहाँ से आप देख पाएंगे चारों तरफ का काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा। अब हम आपको ले चलेंगे इस कैसल के बैक साइड में, जहाँ आपको काफ़ी बेहतरीन प्रकृति के नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। आप देखिए, यह है रेस्ट हाउस वेटिंग रूम जहाँ पर आप होटल बुक कराने के बाद वेट करने के लिए बैठ सकते हैं। और ये आ गया है बैक साइड बालकनी जो कि काफ़ी बेहतरीन व्यू बनाती है। आप यहाँ से व्यू देखेंगे तो आप दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। साथ ही ये बालकनी पूर्ण रूप से लकड़ी की बनी है जो कि काफ़ी बेहतरीन नज़ारा प्रस्तुत करती है। ये देखिए, अब हम बालकनी में चल रहे हैं और यहाँ पर बैठने के लिए बेंचेस वगैरह भी लगा दी गई हैं, और यहाँ से आपको इस तरह के ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलते हैं जो कि आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। और अब हम आपको लेकर चलेंगे, इसमें एक म्यूजियम टाइप बनाया गया है जो कि काफ़ी छोटा सा है, लेकिन वहाँ पर आपको हिमाचल की पुरानी जीवन शैली के दर्शन भी हो जाएंगे। सबसे पहले हम ये जो थोड़ी सी बालकनी रह गई है उसको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। 50 रुपये दे के पहुँचे हैं भाइयों यहाँ पर, इसलिए अपने 50 रुपये पूरी तरह से वसूल करने हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको इस तरह नज़ारा दिखता है, और आप नीचे जो लोग आते हुए देख रहे हैं, ये इसका दूसरा रास्ता है। तो दो एंट्री हैं इसकी, तो आप दोनों एंट्री से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब हम आपको लेकर जा रहे हैं यहाँ से सीधा नीचे की ओर, जहाँ पर म्यूज़ियम भी है, और हम आपको दिखा देंगे नीचे जो एंट्री दिखाई देती है। ये देखिए, लकड़ी से फ्लोरिंग है पूरी, छत पूरी तरह लकड़ी से बनी हुई है, और ये रहा दोस्तों म्यूज़ियम। लेकिन म्यूज़ियम हम 2 मिनट बाद कवर करेंगे, अभी हम बाहर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्थरों की कुछ आकृति बनाई गई हैं जिनमें काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है। और यहाँ से आप देखेंगे कि नग्गर कैसल किस तरह दिखाई देता है, और इसकी जो बालकनी है उसको किस तरह लकड़ी की सपोर्ट से टेक कर रखा गया है। और यहाँ पर आप एक मंदिर और देख सकते हैं, पता नहीं कौन सा मंदिर है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो आप इस मंदिर को भी घूम सकते हैं। हम तो दोस्तों इस मंदिर में गए नहीं थे, क्योंकि हमें यहाँ से जाना था रोरिक आर्ट गैलरी जो कि काफ़ी फेमस प्लेस है। और
यहाँ आप देख सकते हैं, यह है दूसरी एंट्री जो कि एंट्री गेट के जैसे ही आप घुसते हैं बिल्कुल राइट में आती है। और अब हम वापस आपको म्यूज़ियम के पास ले आए हैं। ये रहा म्यूज़ियम जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई देता है। ये देखिए, इसमें हिमाचल की पुरानी जीवन शैली को दर्शाया गया है कि राजा महाराजाओं के समय में किस तरह से प्रोग्राम वगैरह होते थे। चलिए अब हम यहाँ से बाहर की ओर चलते हैं और आपको इसका इतिहास भी बता देते हैं, साथ ही यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है उसके भी आपको दर्शन करा देंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं नग्गर कैसल का इतिहास। कुल्लू प्रांत का शाही स्थल नग्गर लगभग 1460 वर्षों तक यहाँ की राजधानी रहा। प्राचीन लोक मतानुसार इस किले का निर्माण राजा सिद्ध सिंह ने 16वीं शताब्दी के आरंभ में किया। एक अन्य मान्यता के अनुसार पुरुषों व महिलाओं की गठित मानव श्रृंखला द्वारा निर्माण में प्रयुक्त पत्थरों को ब्यास नदी के उस पार बड़ागढ़ क्षेत्र के बड़ाग्रा गांव के नीचे स्थित गठेक नामक राजा भोसल के दुर्गनुमा महल के खंडरों से लाया गया। इस किले के दो मुख्य द्वार केवल कुल्हाड़ी के प्रयोग से बनाए गए हैं। इन दरवाजों की चौड़ाई स्पष्ट दर्शाती है कि किसी विशाल देवदार के पेड़ से तैयार किए गए हैं तथा इसके निर्माण में किसी लोहे या धातु का प्रयोग नहीं हुआ है। इस किले की दीवारों में प्रयुक्त शहतीरे पूरे के पूरे पेड़ से तैयार की गई हैं। नग्गर किला 17वीं शताब्दी के मध्य तक शाही महल तथा शाही मुख्यालय के प्रयोग में लाया जाता रहा। तत्पश्चात राजा जगत सिंह ने सुल्तानपुर यानी कुल्लू को अपनी राजधानी बनाया। फिर 1846 ईस्वी तक इस घराने के वंशज इसे ग्रीष्मकालीन महल के रूप में प्रयोग करते रहे। जब अंग्रेजों ने सारा कांगड़ा व कुल्लू सिखों के अधिकार से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया, तब राजा ज्ञान सिंह ने मात्र एक बंदूक के लिए इसे प्रथम सहायक आयुक्त मेजर हे को दे दिया, जिन्होंने इस किले के उत्तरी भाग में सीढ़ी अंगीठी व चिमनी बनाकर इसे यूरोपियन रहन सहन के अनुरूप परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार यह किला देशज वास्तुकला अंग्रेजी देहाती हवेली का मिश्रण बन गया। मेजर हे ने बाद में इसे सरकार को बेचा और इसका प्रयोग ग्रीष्मकालीन न्यायालय के रूप में होता रहा। 1947 ईस्वी में अंग्रेज शासकों के जाने के बाद अदालती गतिविधियां समाप्त हो गई, परंतु यात्रियों के लिए इस किले के द्वार एक लोक विश्राम गृह के रूप में खुले रह गए। भयंकर भूकंप के झटके सहने की तकनीक पर निर्मित नग्गर किले ने 1905 में आए विनाशकारी भूकंप के कोप को भी सहन किया। नग्गर किला लकड़ी तथा पत्थर द्वारा निर्मित एक बेजोड़ मध्यकालीन हवेली है। स्थानीय वास्तुकला काष्ठ कुणी में निर्मित इस किले के प्रांगण में एक छोटा सा ऐतिहासिक जगती पट नामक मंदिर है जो कि समस्त देवी देवताओं के निर्णायक स्थल के रूप में पूजा जाता है। 1978 में नग्गर कैसल को सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को सौंपा गया, जिससे निगम द्वारा होटल चलाया जाता है। होटल नग्गर कैसल को दिनांक 9 अगस्त 2012 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया। दोस्तों, ये था इसका रेस्टोरेंट जिसके रेट काफ़ी जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि महल के अंदर है तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइजिंग है, लेकिन ये है कि आप 500 से 600 रुपए में दो बंदों का यहाँ पे आपका खाना पीना हो जाएगा। बाकी दोस्तों, आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट के बाहर भी यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट बनाया गया है। अब हम आ गए हैं महल के बाहर की ओर और सामने आप मंदिर देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको काफ़ी अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। अब हम आपको उसी व्यू पॉइंट के पास लेके जा रहे हैं। ये देखिए, हम आ गए हैं व्यू पॉइंट के पास। इस तरह यहाँ आप चारों तरफ से वादियों के काफ़ी बेहतरीन नज़ारे ले सकते हैं जो कि आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। इस तरह नग्गर कैसल वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप मनाली आ रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप इस ऑफबीट प्लेस पर जरूर आएँ। यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। यहाँ से अब हम जाएंगे रोरिक आर्ट गैलरी जो कि नग्गर का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है नग्गर कैसल के बाद। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।